खबर गाजीपुर जनपद से, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके तहत 3 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया ताकि चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जीत का जश्न मनाया जाए। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गाजीपुर जनपद के नगर पंचायत सादात में इस लॉकडाउन में भी हमारे रिपोर्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड-19 के खबरों को अपडेट कर रहे और जनता की समस्याओं से रूबरू रहे। चारों तरफ जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारे रिपोर्टर अजीत कुमार घूमकर सर्वे की तो व्यापारियों ने भी लॉकडाउन का भरपूर समर्थन किया। नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय प्रताप बनवाल ने बताया कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना हम लोगों का फर्ज है और सभी लोगों को इस महामारी से बचने के लिए पालन करना चाहिए। वहीं एक चिकित्सक के पास हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो राधा कृष्ण मंदिर के ठीक सामने डॉक्टर सीएल भारद्वाज मिले हमारे रिपोर्टर ने। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए शहर के डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं। इस हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे मरीज गंभीर स्थिति में या सामान्य परिस्थिति में दवा के लिए भटक रहे, उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम अपनी डिस्पेंसरी पर बैठकर अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जनता की जान को बचाया जाए। इसके साथ ही डॉक्टर भारद्वाज ने कोरोना से बचने के सुझाव भी बताए एवं कई व्यापारियों ने सरकार के गाइडलाइन को सही बताया। गाजीपुर जनपद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। समय हम गाजीपुर जनपद के नगर पंचायत सादात में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये सादात नगर पंचायत में स्थित एक राधा कृष्ण मंदिर है। ठीक उसी के सामने एक डिस्पेंसरी है जो कि एक राधा कृष्ण मंदिर के सेवादार है। आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको हम, वो मंदिर के पुजारी भी हैं और सेवा भी करते हैं और अपना डिस्पेंसरी भी चलाते हैं। हम उसे मिलवाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर खीजीलाल भारद्वाज है। अच्छा बताइए, आपकी डिस्पेंसरी तो बंद है? हाँ बंद है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मरीजों की सेवा दी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों की सेवा दी जा रही है। सरकार का आदेश तो है कि 3 दिन तक पूर्ण बंद हो। वो तो सही है, 3 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन बंद रखना चाहिए पूर्णतया। पूर्णतया 15 दिन बंद रखना चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन जो है कि आकस्मिक सेवा में आप लोग भी हैं? हाँ, आकस्मिक सेवा में हम लोग आकस्मिक सेवा दे रहे हैं जी। मरीजों की जहाँ तक सुख सुविधा की जरूरत हो रही है, जो दवाओं की जरूरत हो रही है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, उससे मरीजों की सेवा दी जा रही है। चलिए, इसलिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है कि इमरजेंसी सेवा के लिए तत्पर हैं कि जनता को कोई दिक्कतें ना हो और आपातकालीन स्थिति में आप लोग मौजूद हैं और सेवा कर रहे हैं जी। इसलिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं डॉक्टर साहब जी। और किसी से घृणा भाव ना करें, सबका सहयोग करें, सबके सजेशन दें, गाइडेशन दें और जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से आ रही है, प्रशासन की तरफ से आ रही है, प्रशासन का सहयोग करें और जनता का भी सहयोग करें और सब एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और सैनिटाइज कम से कम दिन भर में जी, कम से कम दिन भर में 20 बार हाथ पैर को अपने धो के रखें, मुंह के धो के रखें, सफाई रखें। सफाई ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, यानी कोविड-19 से बचने का बस एक ही उपाय है, सफाई। सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सफाई करें। हाँ। और दूसरी चीज़ एक मैं सभी लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, सभी लोग नमक पानी का सेवन करें जी। कम से कम आधे घंटे पानी को उबाल करके रख लें, उसमें थोड़ा नमक, नींबू, चीनी, अजवाइन जी और जीरा घोल बना करके हर एक घंटे पे एक गिलास पिया करें। इससे उनकी इम्यूनिटी जो है ऑटोमेटिक, हमारी जो कुदरती देन है, जो हमारी भगवान की देन है, हमारे यहाँ जो उपलब्ध है, जो हर आदमी इसको ले सकता है वह लेता रहे। इससे उसके जो इम्यूनिटी जो होती है, जो लूज मोशन हो रहा है या जो घबराहट बेचैनी आ रही है, दूर होगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे हैं जो कि वैदगिरी की दवा के तहत चलते हैं, जिसको लोग भूल चुके हैं, अपनी परंपराओं को और वैदगिरी की दवाओं को भूल चुके हैं, उसको हमारे डॉक्टर छेदीलाल जी ने बताया कि आप इस तरह से उसका सेवन करें तो आपको कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप उससे लड़ लेंगे और कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ या खीरा ककड़ी, जो भी ठंडी चीजें हैं, बिल्कुल परहेज करें। इसमें कोई उससे समझौता ना करे। बाल बच्चों को घर में अपने पैक करके रखें, उनको घूमने ना दें। सभी लोग माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को कंट्रोल करके अपने घर के अंदर रखें।
देखिए हमारे डॉक्टर साहब ने जो है बताया कि घर की जो माताएं बहने हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी समझा बुझा कर घर में रखे, बाहर न फालतू घूमने दें और ठंड से बच। देखिए इसमें जो है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है मार्केट 3 दिन से बंद है। एक है व्यापारी इनसे मिल रहे हैं, बता रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? राजेश कुमार। राजेश कुमार, आपकी भी कोई दुकान है? कहाँ पे है? चौराहे पे है। किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक की। तो दुकान बंद है, खुली है दुकान? आप दुकान बंद है। दुकान बंद है, क्यों बंद किया भाई आप लोग? कोरोना के चलते बंद हुआ है। कोरोना के चलते बंद हुआ है। कितने दिन से दुकान बंद है आप लोगों की? लॉकडाउन में 3 दिन वो बंद रहता है। 3 दिन के लिए बंद किया गया, यानी सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं आप लोग जम करके। क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता जी। इसमें कोरोना काल चल रहा है, पूरी मार्केट बंद है, आप कहाँ पर दौड़ रहे हैं? मार्केट में जा रहे हैं दवा के लिए। दवा के लिए गए थे? दवा लेकर के आए हैं जी। इंतजाम में दवा भरे हैं। इंतजाम में दवा जी। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार श्रीवास्तव। उमेश कुमार श्रीवास्तव जी। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी। अच्छा श्रीवास्तव जी बताइए, ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंतर्गत आपका बिजनेस पर प्रभाव पड़ा है? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं है, तो आप क्या करते हैं? हमारा बीसी है, तो ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र है, तो कोविड 19 के चलते सारी व्यवस्थाएं बंद है सरकार की, तो आपकी सेवा बंद है या चालू है? चालू है। आपकी सेवा चालू है, यानी सरकार के नियमानुसार आप लोग सेवाएं चालू है, जिससे कि लेन देन सरकार के आदेश, सरकार के आदेशानुसार सरकार के नियमों का पालन आप लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस समय जो है कि सारे लोगों के पास तबाही है, पैसे नहीं है, तो आप लोग जैसे अगर सेवाएं चालू रखेंगे तो कई व्यवस्थाएं लोग नियमित चलती रहेंगी। क्या नाम है सर जी आपका? अजय प्रताप। अजय प्रताप जी, आपका भी कोई व्यवसाय है? हाँ दुकान है मेरी। आपकी दुकान है कहाँ पे? सादात बाजार में। तो इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, आप लोग की भी दुकान बंद होगी? हाँ दुकानें बंद है, पूरा बंद है, लॉकडाउन। तो सरकार के नियमों का पालन भरपूर कर रहे हैं आप लोग? कोविड नियमों का कर रहे हैं पालन। कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। देखिए हमारे एक बाजार के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं अजय प्रताप बरनवाल जी, और जो है कि हमसे मिले हैं, और इधर जो है कि कोविड-19 का पालन किया जा रहा है भरपूर, सभी लोग मास्क लगा कर चल रहे हैं। मिले तो हमने कहा कि भाई जरा इनका भी राय जान लेते। इन्होंने कहा कि सर ये बताया कि जो 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, जनता पालन भी कर, संतुष्ट भी है, यानी सरकार के नियमों से आप लोग संतुष्ट हैं और पालन भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। जनहित के लिए देखिए सारे व्यापारी बंधु भी एकजुट हैं, जनता भी साथ दे रही है सरकार का, और अपना परिवार भी बचे, देश भी बचे, सबके लिए जनहित में जारी है। तो सभी लोग जो है कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं।